पांच ऐसी मिस्टेक्स जो आपकी पाचन क्रिया को यानी कि आपकी डाइजेशन को डिस्टर्ब कर सकती है। तो आइए देखते हैं कौन सी ऐसी पांच चीजें हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर सकती है। सबसे पहला है लंच को स्किप करना और डिनर हैवी मात्रा में खाना। कुछ लोग अपने लंच को छोड़ देते हैं और डिनर ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं, यह आपकी पाचन क्रिया को डिस्टर्ब कर सकता है क्योंकि लंच हमारे दिन का मेन मील है, ना कि डिनर। दूसरा है लो फैट डाइट। कुछ लोग अपनी डाइट में से फैट बिल्कुल निकाल देते हैं और हाई प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं जो आपकी पाचन क्रिया को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर सकता है। हमारे फूड में गुड फैट होना जरूरी है। तीसरा रीजन है स्ट्रेस ईटिंग। कुछ लोग टेंशन या स्ट्रेस में आके बहुत ज्यादा खाना खाने लगते हैं या मीठा खाने लगते हैं जो आपकी पाचन क्रिया को यानी कि मेटाबॉलिज्म को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर सकता है। चौथा रीजन है लैक ऑफ स्लीप यानी कि नींद पूरी ना लेना। कुछ लोग 4 से 5 घंटों की ही नींद लेते हैं, हालांकि एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए दिन में 6 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। और पांचवा रीजन है यो-यो डाइटिंग। कुछ लोग यो-यो डाइटिंग करते हैं, मतलब डाइट करेंगे तो अच्छे से करेंगे, उसके बाद बहुत ज्यादा खाना खाने लगते हैं। तो ये पांच ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बुरी तरह से डिस्टर्ब हो सकता है।